resistance. मैंने यूनिवर्सिटी के पांचवें दीक्षांत समारोह में कुलाधिपति के रूप में उपस्थित बेरिन यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति और एमडी टाइम्स ग्रुप सम्मान्य श्री विनीत जैन जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री, उच्च शिक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना विभाग से जुड़े हुए मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं श्री ब्रजेश सिंह जी, बेनेट विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजीत अब्राहिम जी, जिरोथा के सह संस्थापक श्री निखिल कामत जी, वैनिट यूनिवर्सिटी के सभी फैकल्टी मेंबर्स, आज के इस समारोह में उपस्थित हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, अभिभावकगण और मेरे युवा साथियों, पांचवें दीक्षांत समारोह के अवसर पर वैनिट यूनिवर्सिटी परिवार को मैं हृदय से बधाई देता हूं। जिन छात्रों को आज उनकी डिग्री अवार्ड की गई है उनके प्रति हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। विशेष रूप से एक छात्र के रूप में और बाद में समाज के लिए एक रोल मॉडल के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करने और आज वैनिट यूनिवर्सिटी के द्वारा उन्हें मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है श्री निखिल कामत का मैं हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि आज के हमारे विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह जिन्हें हम कॉन्वोकेशन कहते हैं, ये प्राचीन भारत के विश्वविद्यालय या गुरुकुलों के समावर्तन समारोह का ही एक परिवर्तित रूप है। विश्वविद्यालय के कुलपति कुलाधिपति जब अपना मार्गदर्शन यहां पे प्रस्तुत कर रहे थे तो उन्होंने भारत की प्राचीन परंपरा के साथ साथ भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने की बात कही, और ऐसा नहीं कि भारत विश्व गुरु के रूप में न रहा हो। प्राचीन काल के वे विश्वविद्यालय, चाहे नालंदा का विश्वविद्यालय रहा हो, तक्षशिला का विश्वविद्यालय रहा हो, विक्रमशिला के विश्वविद्यालय रहे हो,
उत्तर में काशी, दक्षिण में कांची, मध्य में अवंतिकापुरी, पूरब में अगर हम देखें तो नवलद्वीप जैसे अनेक ऐसे प्राचीन विश्वविद्यालय या शिक्षा के केंद्र थे जो न केवल अपने बृहत्तर भारत की बल्कि दुनिया के स्नातकों को न केवल शिक्षा और ज्ञानार्जन के बल्कि उस कालखंड की दृश्य हम देखें और आज के प्रत्यक्ष में हम सोचें तो इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सबसे बेहतरीन केंद्र माने जाते थे। और उस समय के समावर्तन समारोह का जो मुख्य मंत्र होता था वह होता था, जिसे हमारा तैतरीय उपनिषद ने इन शब्दों में व्यक्त किया है, जिसका मैं यहां पे अभी आपके सामने जिसे मैं यहां पे प्रस्तुत करूंगा और आपकी फिर उन पंक्तियों के बारे में जब आप एक बार मनन करेंगे तो आपको एहसास होगा कि किस गौरवशाली विरासत के आप हिस्से रहे हैं। तैतरीय उपनिषद इसके बारे में कहता है, जो अपनी डिग्री प्राप्त करने के पहले भारत के हर उस स्नातक से अपेक्षा की जाती थी कि उसे किस प्रकार का अपना आचरण बनाना है, तो यह अपेक्षा होती थी सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायानाम प्रमद सत्यान प्रमिततव्यम धर्मान प्रमिततव्यम कुशलान प्रमिततव्यम भूत्वे न प्रमिततव्यम स्वाध्यायानाम प्रवचनाभ्याम न प्रमितव्यम देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमिततव्यम मातृ देवो भव पितृ देवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव यानि कर्माणि तानि सिमितव्यानि, यानी सत्य बोलना, धर्म का आचरण करना, स्वाध्याय में परमात्मा करना यानी कोई आलस्य न करना, सत्य से न हटना, सत्य के मार्ग से न हटना, धर्म के मार्ग से न हटना, कुशल कार्य में किसी भी प्रकार के आलस्य यानी प्रमाद से बचना, महान बनने के अवसर से न चूकना, पठन पाठन के कर्तव्य में कभी भी आलस्य न करना, देवता यानी देव और पितरों के कार्यों से भी